हेलो बच्चों, आज आव्यूह के बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के बारे में हमने मैट्रिक्स आपको पढ़ाई है कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी इक्वलिटी क्या होती है, उसको प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज का यूज होना है, इसके पहले का जो वीडियो है उसका हमने लिंक दे रखा है, पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। हमने बताया था कि मान लिया कोई आव्यूह है ए, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसको हम ए डैश लिखते हैं, परिवर्त आव्यूह। और हमने बताया था कि इसमें करेंगे क्या, ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 1 2 3 इधर है तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, 4 5 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, दो रो है तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और इसमें तीन रो हो गई है और दो कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। इसको हमने बताया था कि अगर आप किसी भी ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित कहते हैं, और अगर माइनस ए हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, विषम सममित कहते हैं। इस पर एक एक्सरसाइज है आपके 3.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.3 है, पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है, इसका पहला पार्ट हम लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। मान लिया एक मैट्रिक्स गिवन है 1 by 2 and -1, तो दिस इज द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 रोज 1 कॉलम, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए डैश निकालना है। तो बताया गया है कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी कि जो आपका ये कॉलम है वो बन जाएगा 5 1 by 2 and -1, इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड अपने आप करिएगा, इसका नाम हमने सी दे दिया फिलहाल। मैट्रिक्स गिवन है आपकी -1 5 6 √3 5 6 2 3 and -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी डैश, वही चीज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 5 6 जो इधर लिखा है वो इधर आ जाएगा, ये वाली जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, √3 5 6, और जो थर्ड रो है वो 2 3 and -1 बन जाएगा। ऑर्डर क्या इसका है, 3 क्रॉस 3। अब चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए कोई ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ अपने आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 and -2 1 1 -2 1 1, और एक मैट्रिक्स बी गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 and 1 3 1। ये कह रहे हैं इसमें वेरीफाई करिए कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज बताया था तो उसमें बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आती है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई एलएचएस ले लीजिए, ए प्लस बी निकालिए, उसका ट्रांसपोज करिए, तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। अब डायरेक्ट इसमें करेंगे, ए को लिखेंगे प्लस बी को लिखेंगे, -1 -4 तो -5 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + -5 -2 आएगा, 5 + 1 करेंगे 6 आएगा, 7 + 2 करेंगे
नाइन आएगा, नाइन प्लस जीरो दैट इज आल्सो नाइन, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, एंड वन प्लस थ्री दैट इज फोर, एंड वन प्लस वन दैट इज टू, दिस इज ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, ए प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव थ्री माइनस टू सिक्स नाइन नाइन एंड माइनस वन फोर टू, तो दिस इज एलएचएस। अब आरचेस लिखते हैं, ठीक है, इसको नोट के रखेंगे, आरचेस देखिए, टेकिंग आरचेस, टेकिंग आरएचएस, आर एच एस, ए डैश प्लस बी डैश, डैट टच कर दो इसको, तो माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन, माइनस टू वन वन, प्लस बी डैश क्या हो जाएगा माइनस फोर वन, माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, इसको प्लस कर दीजिए, तो माइनस वन प्लस माइनस फोर दैट इज माइनस फाइव, फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, टू प्लस वन दैट इज थ्री, सेवन प्लस टू दैट इज नाइन, वन प्लस थ्री इसमें फाइव आएगा, सॉरी ये फोर यहां लिखेगा, ये टू यहां लिखा होगा, दैट इज फोर, थ्री प्लस माइनस फाइव दैट इज माइनस टू, नाइन प्लस जीरो दैट इज नाइन, एंड वन प्लस वन दैट इज टू। देखिए दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आरचेस, सो दिस रूल वेरीफाइड। इसी प्रकार से अगला पार्ट है ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, उसको अपने आप वेरीफाई करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन द सेम, उसको अपने आप करेंगे, उन्हें रेंडमली इसको डिस्कस करने के लिए कहा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सो नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.3 इज गोइंग ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन, ए इज गिवन वन माइनस फोर थ्री एंड बी इज गिवन माइनस वन टू वन, और कह रहे वेरीफाई करिए कि ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आपको याद होगा प्रॉपर्टी हमने बताई थी इसमें, अब हम एलएचएस लेके देख रहे हैं इसको, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, पहले ए इंटू बी निकालते हैं, ए का मतलब वन माइनस फोर थ्री, बी का मतलब माइनस वन टू वन। जरा इसका ऑर्डर देखिए, इसमें कितनी रो है, थ्री रो है, कितने कॉलम है, वन है, तो इसका ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस वन, इसमें कितनी रो है, वन, कितने कॉलम है, थ्री, ऑर्डर क्या होगा, वन क्रॉस थ्री, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, रिजल्ट जो आएगा उसके ऑर्डर क्या होगा, थ्री क्रॉस थ्री। देखिए तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही यहां पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, इसके पहले बताया जा चुका है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस फोर इंटू माइनस वन दैट इज फोर, माइनस फोर इंटू टू दैट इज माइनस एट, माइनस फोर इंटू वन दैट इज माइनस फोर, थ्री इंटू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री, थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, एंड थ्री इंटू वन दैट इज थ्री, दिस इज वॉट, दिस इज ए इंटू बी। नाउ ए बी डैश मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, ये क्या बन जाएगा, माइनस वन टू वन, फोर माइनस एट माइनस फोर, माइनस थ्री सिक्स थ्री, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, सो नोट रखिएगा। अब हम आरचेस लेते हैं, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश आरचेस, टेकिंग आरचेस, टेकिंग राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश क्या हो जाएगा माइनस वन टू वन, और ए डैश क्या हो जाएगा वन माइनस फोर थ्री, इसका ऑर्डर क्या है, तीन रो एक कॉलम, थ्री क्रॉस वन,
इसका 1×3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, दिस इज -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2, दैट इज -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो, अगर मल्टीप्लीकेशन दिक्कत हो इसके पहले का वीडियो मल्टीप्लाई का बताया गया है उसको देख लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टेक्निकल होता है, ठीक है। दिस इज -4 और दिस इज 3, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोस्तों LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड दिस रिजल्ट। इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, ठीक है। सेवेंथ के बारे में बात कर, सॉरी सिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की बढ़ रही है, टेक्निकल चीजें आ रही है। देखिए सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। प्रूफ करने के लिए दिया गया है, वो बाद में बात करते हैं। जरा ए डैश इंटू ए करिए, ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज व्हाट, दिस इज वन आइडेंटिटी 1 0 0 1। इसको पहचानते होंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही प्रूफ करना था, उन्होंने कहा था वेरीफाई करिए प्रूफ करिए ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट बारे में बात करने जा रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताया जा चुका है इसकी पहली स्लाइड में, इसको देख लीजिएगा आप। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 and 5 1 3, और कह रहे हैं प्रूव दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है और द सेम मैट्रिक्स शुड कम, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसका ट्रांसपोज, मालूम है आपको रो को कॉलम में चेंज कर दो तो आएगा 1, ये फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। जरा देखिए सेम मैट्रिक्स आ गई, तो बिकॉज ए डैश इज इक्वल टू ए सो इट इज सिमेट्रिक। सेकेंड कह रहा है तो सेकेंड पार्ट इसका है, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक करना है, उसमें ए डैश जब करेंगे तो माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। जरा सेवेंथ का सेकेंड पार्ट देख लीजिए, सेकेंड सेवेंथ सेकेंड पार्ट, इसकी मैट्रिक्स का नाम फिलहाल हम बी लिख देते हैं 0 1 -1 -1 0 1 and 1 -1 0। प्रूव दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित नहीं है ये, तो क्या करेंगे इसका आप, बी डैश निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो 0 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 1 1 -1 0। इन दोनों में एक चीज देखिए आप, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लेने का तरीका बताया गया था कि आपको सभी एलिमेंट्स में से नेगेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी साइन सबके चेंज,
जीरो वन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस वन वन जीरो, दिस इज व्हाट द सेम मैट्रिक्स विल गेट माइनस में आगे लेकिन, तो दिस प्रूव दैट इट इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एट्थ नाइन्थ अपने आप करेंगे, सिमिलर है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, बहुत अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखिए एट्थ में कहा गया है, सॉरी टेंथ क्वेश्चन देखिएगा, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको जीरो वन माइनस सॉरी थ्री फाइव थ्री फाइव वन माइनस वन, ये पहला पार्ट है। राइट दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर याद हो हमने एक मैट्रिक्स को कहा था ए प्लस ए डैश बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू, ये सिमेट्रिक थी और ये स्क्यू सिमेट्रिक थी। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये थ्री फाइव वन माइनस वन। इसके बाद एक मैट्रिक्स मानेंगे पी हाफ ए प्लस ए डैश, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हाफ ए का मतलब थ्री फाइव वन माइनस वन प्लस ए डैश का मतलब थ्री वन फाइव माइनस वन, दोनों को ऐड कर दीजिए, थ्री प्लस थ्री सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, दैट इज सिक्स, दैट इज माइनस टू। इसको आप टू से डिवाइड कर दो तो थ्री 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 माइनस टू। अगर इसको आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखो थ्री थ्री इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा, सेम होगा, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसके सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बताया है कि आप a माइनस ए डैश बाई टू कर दो। एक और मैट्रिक्स आप बनाइए q हाफ a माइनस ए डैश, हाफ a क्या है आपका थ्री फाइव वन माइनस वन माइनस ए डैश है थ्री वन फाइव माइनस वन हाफ, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, माइनस करना सॉरी जीरो हो जाएगा, फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, वन माइनस फाइव माइनस फोर हो जाएगा और दिस इज जीरो, टू से डिवाइड कर दो तो दैट इज जीरो टू माइनस टू जीरो। अगर ध्यान से देखिए इसको ट्रांसपोज करिए तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज द टेंथ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट यू डू बाय योरसेल्फ। नाउ इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इलेवेंथ थोड़ा थ्योरम टाइप का है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो सॉल्व में आ जाएगा। देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इलेवेंथ क्वेश्चन दिया है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए व्हाट इज गिवन, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए डैश अगर हम करेंगे दैट इज ए एंड बी डैश करेंगे दैट इज बी, इट इज गिवन, दिस इज गिवन और दिस इज गिवन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आपको शो करना है ए बी माइनस बी ए इस सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। देखिए अगर ये सिमेट्रिक है आपको प्रूफ करना है, इसको सिमेट्रिक है क्या है आपको नहीं मालूम, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो सेम आना चाहिए, पहली चीज। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज जो है निगेटिव आना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसके पहले क्वेश्चन आपने लगाया है कि a प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होगा,
और अगर यहां माइनस करते हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर इस ट्रांसपोज को खोलें तो क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओ अपने आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए ए बी ट्रांसपोज क्या बताया था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। देखिए बी डैश की वैल्यू क्या है, बी, ए डैश की वैल्यू क्या है, ए, ये दिया हुआ है, माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, ए, बी डैश की वैल्यू क्या है, बी, बी ए माइनस ए बी। आप ये मत कहिएगा बी और ए बी सेम होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बताया गया है कि ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, एक तो मल्टीप्लाई होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए सेम चीज है, आप कहेंगे नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ए बी माइनस बी ए, आपने इसका ट्रांसपोज किया तो सेम वैल्यू यू विल गेट, बट यू आर गेटिंग इन निगेटिव। क्या शो होता है, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट, क्या शो दैट कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जीरो आ जाता है तो जीरो मैट्रिक्स, यही चीज सेम आ जाती है तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इज अ थ्योरम टाइप क्वेश्चन, बट इन थ्योरम टाइप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप यू प्रोसीड टू गेट इट, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट टेक्निकल क्वेश्चन। अब धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगी तो वो थोड़ा और बड़ी सी हो जाएगी। एक मैट्रिक्स गिवन है, 12th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है कॉस अल्फा, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है उसको समझ लीजिएगा, इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और गिवन यहां पर ये है, गिवन ये प्रूफ नहीं करना, गिवन है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में से प्लस करता हूं तो आइडेंटिटी मिलेगी, ऐसा गिवन है। मतलब ए का मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस किसमें करेंगे, इसके कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, इसका रो को कॉलम बदल दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। प्लस करना आपको आता है, कॉस प्लस कॉस टू कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस प्लस साइन जीरो, साइन प्लस माइनस साइन जीरो, दैट इज टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होते हैं, तो जब इक्वेट करेंगे तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे हियर टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, वन बाय टू, वन बाय टू द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3। तो दिस इज द 12th क्वेश्चन, रेंडमली विल डू अदर क्वेश्चन ऑल्सो विच आई हैव लेफ्ट। इसके बाद बात इनवर्स मैट्रिक्स की होगी, कुछ और बातें होंगी, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ओके, थैंक यू।